नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज, आपके साथ मैं हूं निधि बिश। तो वक्त हो गया है सुबह की कुछ मुख्य खबरों का, ये शुरू करते हैं पहली खबर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 लोगों की मौत हुई वहीं 4 घायल। अब दिल्ली में भी मास्क लगाना अनिवार्य नहीं, जुर्माने से भी मिली राहत, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 250 रुपए का हुआ इजाफा, 19 किलो का सिलेंडर अब 2553 का हुआ। पीएम मोदी आज करेंगे परीक्षा पर चर्चा, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम, 5वीं बार छात्रों से करेंगे बातचीत, बढ़ाएंगे हौसला। फिल्म गुडबाय की शूटिंग करने ऋषिकेश पहुंचे अमिताभ बच्चन, परमार्थ निकेतन आश्रम में पूजा हवन कर की गंगा आरती। हरिद्वार के लक्सर में दहेज में नहीं मिले 2 लाख रुपए तो बीवी को दे दिया 3 तलाक, अब शौहर के खिलाफ केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, शोपिया एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर शिमला में किया विरोध प्रदर्शन। तो फिलहाल आज के इन मुख्य खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।